तो साथियों, स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी देहरादून में। आप ये देख सकते हैं कि मानसून आ चुका है और मानसून से ठीक एक महीने पहले ये जो सड़कें हैं देहरादून की, ये सड़कें खोदी गई थी। स्मार्ट सिटी का जो कार्य चल रहा था, एक महीने से ये सड़कें खोद रहे हैं, फिर इसको ठीक कर रहे हैं, फिर खोद रहे हैं, और यही पुनरावृत्ति बार बार यहाँ पर चलाई जा रही है। ये एक जगह की बात नहीं, कई ऐसे मोहल्ले हैं देहरादून के जहाँ पर इस प्रकार का कार्य किया जाता है और बरसात आते ही ये जलमग्न हो जाते हैं, जहाँ पर जो लोग हैं, लोगों के घरों में भी ये पानी चला जाता है, जो कीचड़ है वो हर घरों में घुस जाता है। इस वक्त तो मैं मौजूद हूँ जो जोगीवाला से रिंग रोड है, यहीं पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ का एक मोहल्ला है यहाँ पर, जिसको आप देख सकते हैं कि जो लोग आ रहे हैं कीचड़ों में, किस प्रकार की उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो कीचड़ है वो पूरी सड़क लबालब हो रखी है, बरसात होते ही ये पानी से भर जाता है। इसके साथ ही मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आप देखिए ऐसे कई गड्ढे बने हुए हैं सड़कों पे, जहाँ पर गाड़ियाँ फंस जाती हैं। ये आप देखिए, यहाँ पर मैं चाहूँगा यहाँ पर दिखाएँ आप, ये देखिए इसमें अगर रात को कोई आएगा तो कोई भी अनहोनी हो सकती है। तो ये जो कार्य है स्मार्ट सिटी का, ये देहरादून में चल रहा है, लेकिन बड़ा सवाल फिर यही है कि क्या मानसून आने से ठीक एक महीने पहले ही इस सड़क को खोद दिया जाना चाहिए था? यदि खोद भी दिया था तो क्या इसके निर्माण कार्य जो है वो समय पर पूरा नहीं किया जाना चाहिए था, जबकि पता है कि मानसून आने वाला है, बावजूद इसके सड़कों को ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा है। ये पूरे देहरादून के हालात हैं, जहाँ पर सड़कें खोद दी गई और उनको अभी तक भरा नहीं गया है, तो कहीं ना कहीं ये चिंताजनक है। और इसके साथ ही मैं चाहूँगा आप इन जो स्क्रीन पे आंकड़े दिख रहे हैं उन पर ध्यान दीजिए कि इतने करोड़ रुपये जो हैं अब तक इन सड़कों पर लग चुके हैं, लेकिन मानसून आते ही जो सारा कार्य है स्मार्ट सिटी का वो सब धुल गया है, सब मिट्टी में मिल गया है। आप ये देख सकते हैं किस प्रकार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, गड्ढे सड़कों में हो रखे हैं और जो जल भराव की समस्या है वो पूरे देहरादून में बनी हुई है। आप आंकड़ों को देखिए, किस प्रकार जो करोड़ों रुपए खर्च हो गए, बावजूद इसके भी अभी तक जो कार्य है वो जीरो दिखाई दे रहा है। ये हर जगह की ये तस्वीरें हैं, हमने दिखाई जब प्री मानसून आया था देहरादून में, तो किस प्रकार से पूरा जो देहरादून है वो जलमग्न हो गया था, और आज भी सड़कें जस्ट तस बनी हुई हैं। मानसून आने से पहले ये सड़कें खोद दी गई, करीब एक डेढ़ महीने से ज़्यादा इस सड़क को खोदे हुए हो गए हैं, लेकिन अभी तक इसका जो कार्य है वो पूर्ण नहीं हुआ है। कई बार तो यहाँ पर काम चल नहीं रहा, अभी आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर कार्य चल रहा है, और यही पुनरावृत्ति, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि सड़क बना रहे हैं, फिर उसको खोद रहे हैं, फिर बना रहे हैं और फिर खोद रहे हैं, यही पुनरावृत्ति यहाँ पर चल रही है। तो आपने ग्राउंड की हकीकत भी देखी और जो लोग आप देख रहे हैं देहरादून का नजारा वो भी आपने देख ही लिया होगा। ये सिर्फ एक उदाहरण था कि यहाँ पर ऐसा हो रखा है, लेकिन ऐसे कई जगह है देहरादून की, कई जो कस्बे हैं वो ऐसे, कई स्थान है देहरादून के जहाँ पर सड़कें खुदी हुई हैं लेकिन आज तक वो सड़कें भरी हुई नहीं है। क्या कोई हादसे का इंतजार कर रहा है प्रशासन? क्या कोई अनहोनी का इंतजार कर रहा है शासन प्रशासन? जिस तरह से मानसून से ठीक पहले सड़कें खोदी गई हैं और उसके बाद इस पर कार्य न होना, इन्हीं सड़कों से जो अधिकारी हैं वो गुजरते हैं, जो नेता हैं वो गुजरते हैं, लेकिन सब कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, किसी को ये गड्ढे दिखाई नहीं देते। अभी हाल ही में एक जो ऐप था वो भी लॉन्च किया था कि जहाँ पर गड्ढे होंगे वहाँ की जो फोटो है वो भेज दो और गड्ढा भर दिया जाएगा, लेकिन पूरा देहरादून गड्ढों से भरा हुआ है। कहाँ कहाँ की फोटो जनता भेजे? ये जो तस्वीरें हैं ये आप देख सकते हैं देहरादून की हैं। मानसून अभी शुरू हुआ और मानसून शुरू होते ही जो पूरे स्मार्ट सिटी का काम है वो साफ धुल गया है, पूरे जो करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं वो सब बह चुके हैं पानी। आगे आपको तमाम जानकारी देते रहेंगे, आप बने रहिए न्यूज स्टूडियो के साथ और देखते रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड।